मेरा दिल तू मेरी जान, ओ आई लव यू गौरी। तनु मासूम तू तू ही गा बहन, तनु तू शैतान, बैठे ना सामने इसलिए हंस नहीं रही है, गा। तू मेरा दिल तू मेरी जान, ओ आई लव यू गौरी। तू मासूम तू उसे सदमा शैतान। लग गया, रहने दे आज तो। मैं यारों मेरे गाने को हमेशा ऐसे सुनेंगे, गौर पापा जी की से धुन पे मस्त सारे हो रही सुर है, समझ आ रहे हैं। ये पापा जी की धुन पे मस्त हो रही है। अभी तो अब झूला गा, झूल रहा है। अब गाता नु, अब गा। तू मेरा दिल तू मेरी जान, ओ आई लव यू गंदी गौरी। देखा। अब अभी खुश ना हुई है। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो सभी लोग? और आज है ट्यूसडे और मकर संक्रांति है आज। आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। कहते हैं आज से मौसम ना चेंज हो जाता है, कि ठंड कम होती चली जाती है, तो पता नहीं आज वैसे ठंड काफ़ी हो रखी है। धूप निकली थी, धूप में मैं आज गई नहीं हूँ और गौरी भी यहीं पर ही है अभी। पता है क्या, मुझे ना कुछ मतलब कमेंट ना कुछ ऐसे आ रहे हैं, मैं क्या बातें शुरू करने बैठ गई हूँ। देखो वीडियो शुरू करते ही कुछ कमेंट ना ऐसे आ रहे हैं कि जिनको देख के ना बड़ा अजीब सा, पढ़ के बड़ा अजीब सा लगता है कुछ। मतलब वैसे टच वुड मेरे पे नेगेटिव कमेंट बहुत कम, बहुत ना के बराबर, एक दो तो कोई ना कोई, वो तो होता ही है कि नज़र का टीका वो होता है ना, वो लगाने के लिए। और वैसे भी गौरी को यहाँ पे बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी देते हैं, बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती है। मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि यूट्यूब पर इतना कुछ मतलब गौरी को मिलेगा, बिल्कुल। और होता है, जैसे आज मैं सीरियसली आप लोगों से बात करना चाहती थी। बहुत से लोग बोलते हैं नज़र लग जाएगी, नज़र लग जाएगी, नज़र लग जाएगी। हाँ होता है कि नज़र का होता है, लेकिन कभी आपने एक चीज़ नोटिस की है कि जब हम किसी बच्चे को देखते हैं, किसी के भी बच्चे को देखते, चाहे वो हमारा हो चाहे वो किसी और का भी हो, तो चाहे वो बच्चा बच्चे देखो सभी प्यारे होते हैं, सभी अच्छे होते हैं मन से। पता है दिल से बच्चे को देखते, हम लोग भी पहले भी देखते थे और अभी भी, तो मन से दिल से ये निकलते हैं कितना प्यारा बच्चा है। तो उसमें हम नज़र लगाने वाली बात नहीं करते, उसमें एक दिल से आवाज़ निकलती है कितना प्यारा बच्चा है। हर किसी को ये ही लगता है। तो अभी जैसे मेरे पास में कमेंट आते हैं गौरी को लेकर के, मुझे अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन एक दो कमेंट ने ना मुझे इतना, एक तो मेरे साथ कमेंट में ये प्रॉब्लम हो रही है, मेरे कमेंट जो जा रहे हैं, किसी के भी कमेंट आ रहे हैं वो मेरे जा रहे हैं स्पैम में। मुझे नहीं पता क्यों जा रहा है कि वो मुझे वहाँ से जाके उनको करना पड़ता है, स्पैम में सारे कमेंट जा रहे हैं। तो एक ने तो हद कर रखी है कि यार उनको मैंने भी ब्लॉक किया है, उनको मेरे कुछ सब्सक्राइबर ने रिप्लाई भी दिया है जो गौरी के पीछे हाथ धो के पड़े हैं, पता नहीं पड़ी हैं या पड़े हैं कौन हैं। और एक दो कमेंट और थे, हाँ आया था। क्या होता है ना कि ऐसे कमेंट को ना क्या बोलूँ, इन लोगों को क्या बोलना चाहिए कि आप एक चीज़ बताइए कि मेरी वीडियोस कितने मिनट की होती है। आप लोग खुद देखते हैं कि मेरी वीडियो कितने मिनट की होती है। मेरी वीडियो होती है ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट, इससे ज़्यादा वीडियो नहीं होती। कभी कभी होती है 18 मिनट 20 मिनट, अदरवाइज मेरी 10 से 15 मिनट के बीच की ही वीडियोज़ होती है। उसमें भी मैं खुद कोशिश करती हूँ कि मैं गौरी को फ़ोन से दूर रखूँ। गौरी की जो वीडियोस होती हैं वो फ़ोन मैं दूर रख कर ही बनाती हूँ। तो एक कमेंट ऐसा आया था कि कुछ तो शर्म करो कि बच्चे को मतलब अपना चैनल ऊपर ले जाने के लिए आप बच्चे को आगे कर रहे हो। मुझे पता है अभी भी इस वीडियो पे भी बहुत सारे कमेंट ऐसे आएंगे, क्योंकि मैं ये बता रही हूँ कि बच्चे बच्चे को प्रॉब्लम होती है कैमरे से। तो यार हम लोग भी पेरेंट्स हैं, हम लोगों को भी पता है। लेकिन अब एक चीज़, अगर मैं सिर्फ गौरी को 2 से 3 मिनट, मेरी वीडियो में गौरी ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट के लिए आती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। और पूरे दिन में आपको बताऊँ, मैं अपने कमेंट के रिप्लाई भी नहीं कर पा रही हूँ।
जब गौरी सोती है तब मैं फोन उठाती हूँ या वीडियो भी, अब जैसे गौरी को मैंने खेलने में लगाया हुआ है, फोन उसकी तरफ नहीं है तो वो अपनी बॉल में लगी हुई है, बॉल से खेल रही है तो मैंने फोन उठाया है, या इन लोगों की गोदी में होती है तो मैं वीडियो बनाती हूँ, कैप्चर करती हूँ इसकी। तो यार इसके हम लोग सिर्फ वीडियो ये सोच के बना रहे कि इन फ्यूचर आगे गौरी देखेगी तो अच्छा लगेगा कि हाँ सारी यादें यहाँ पर हैं, जुड़ी हुई हैं। तो इसमें शर्म करने वाली बात क्या है यार, हम हर कोई माँ बाप अपने बच्चे के लिए अच्छा ही सोचते हैं, कोई बुरा नहीं सोचता है। और यहाँ पे मैं चलो छोड़ो इस बात को, गौरी अब यहाँ पे लेटी है। बेटा देखो बुबू हो गया, ना अलग अलग होते हैं, सबका अलग अलग तरीके से रिएक्शन होता है। मेरे पास ना देखो, कल मैंने अपने स्टेटस पे भी लगाया था, एक चीज़ बताती हूँ मैं, और हम मेरी सासू अम्मा भी यही बोलती हैं कि जो ऊपर वाला चाहता है ना होगा वो ही। तो उनकी वजह से मैं हूँ, वो मम्मी जो हैं बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाती हैं, हर तरीके से करती हैं। मैं बताती हूँ, देखो मेरे पास में एक आया था जो कल इन्होंने अपनी वीडियो में भी बताया था, जिसको कुछ होता है ना पॉजिटिविटी, और एक ने मतलब जो एक गाने के ऊपर बहुत कमेंट आते हैं कि तुम ये गाना सुनाती हो और कोई गाना नहीं आता है, तो बच्चे को अगर मैं 10 गाने सुनाऊंगी ना तो बच्चा मुझे पहचानना भूल जाएगा। हाँ जी, तो गाने को लेकर के आता है, अभी तन्नू आ गई थी इस वजह से। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ अभी काम और फ़ोन लेकर बैठी हुई हूँ, फ़ोन से बातें भी कर रही हूँ मैं और साथ में काम भी कर रही हूँ। ये जो साड़ी है ये मैंने पॉली बैग में की है, तो मैंने ये ऐसे क्यों रखी है क्योंकि ये मुझे धोनी है और धोने का काम एक साथ नहीं हो पाता है सारे कपड़े, साड़ी वैसे भी अलग धोनी पड़ती है, तो मैंने अभी पॉली बैग में करके रख दी है, कल जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इसे धो करके रख दूँगी, क्योंकि मशीन में भी साड़ी को मैं नहीं धो सकती हूँ, बेकार हो जाती है, तो अलग से मुझे ये धोनी पड़ती है। तो यहाँ पर काम करते करते और बात भी हो जाती है और गौरी को भी देख रही है, गौरी आज बोल रही थी कि नीचे नहीं लेटना है तो गोदी में बिठाओ, होता है ना बच्चों को लेटे लेटे भी दिक्कत हो जाती है, तो गौरी को गोदी में लेकर के मैं बैठी हूँ और बातें भी और काम भी। तो थोड़ा सा काम मैं यहाँ पर अभी ख़त्म कर लूँगी, कपड़े ही समेटने हैं, कपड़े जो बास्केट रखी हुए इसमें भी कपड़े रखे हुए थे तो वो ही करने हैं मुझे अभी, ठीक करने हैं सारे, लगाने हैं अलमीरा में। तो सबसे पहला काम मेरा ये था कि मैंने तय करके रख दिए थे, और यहाँ पर मैंने लिया हुआ है फ्राई पैन, मैं आज मैं कुछ अलग करने जा रही हूँ, मैं इसमें लहसुन डालूँगी, अभी ये गर्म हो चुका है अच्छे से। और लहसुन क्यों डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे ये छीलना था लहसुन, तो मैंने देखा था कि यूट्यूब पर ये कि गर्म करके इस तरीके से ये अच्छे से छील जाता है, और यहाँ पर मुझसे गलती हो गई थी, हमेशा अब बोलेंगे गलती होती रहती है, तो यहाँ पर मैंने ज़्यादा इसको कर दिया था, गैस तेज कर दी थी तो हल्का सा जल गया था, लेकिन छिलका जला था अंदर से फिर भी ठीक था। तो यहाँ पर धीरे धीरे करके मैंने इसको चला लिया है और इसको मैं अब छील लूँगी अच्छे से करके, देखो एक एक मतलब बहुत आसानी से ये छिल गया था ये देखो। तो ये मुझे अभी यूज करना था इसलिए मैंने इसको करा है, और वैसे भी अगर मैं स्टोर करना चाहूँ तो इसको इस तरीके से छील के पेस्ट बना करके मैं रख सकती हूँ फ्रिज के अंदर, तो उसके लिए भी इजी हो गया है, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। हाँ बस आप लोग अगर करना चाहेंगे तो इसे हल्का सा भूनिएगा, अब देखिए हाथ में भी ये निकल करके आ रहा है अंदर से छिलके इसके आराम से निकल रहे हैं, तो जितना है ये मैं छील करके कटोरी में इकट्ठा कर लूँगी इसको। और थोड़ा सा मुझे अभी दो तीन चीज़ों में यूज करना है, जैसे कि अभी मुझे कुछ रेसिपी बनानी थी तो वो मैं आप लोगों के साथ में आगे शेयर करूँगी, मतलब बना रही हूँ इसी वीडियो में आगे आपको मिलेगी, तो आप लोग बताइएगा कि लहसुन का ये मैंने ठीक किया या कुछ और तरीका। एक तरीका आपने मुझे बताया हुआ है कि पानी में भिगो करके छीलेंगे तो बहुत आसानी से छील जाते हैं, तो यहाँ पे मैंने दूसरा तरीका भी अपना करके देखा है, कुछ ना कुछ नया करते रहना चाहिए, नया सीखते रहना चाहिए, और कुछ हो सकता है कि आप लोग भी थोड़ा सा नया आप लोगों को भी देखने के लिए मिले यहाँ पर। तो आगे और मैं छील लूँगी इसको सारा और आगे दिखाती हूँ, ये देखिए कटोरी में मैंने इकट्ठे कर लिए हैं, अब इसको आप देख सकते हो। और इसके बाद में मैंने एक छोटी भगोनी ली है जो मैंने गैस के ऊपर रख दी है और गैस ऑन कर दी है, पानी रख दिया है मैंने उसके अंदर उबलने के लिए, तो ये देखिए और पानी उबल चुका है। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ इसके अंदर न्यूट्री जो सोयाबीन की बड़ी भी बोलते हैं, तो इसको मेरे को आज बनाना है, कुछ नया खाने का मन कर रहा था, बाहर से मुझे खाना आजकल पसंद नहीं आता, बाहर का मैं
बिल्कुल अवॉइड करती हूँ। बहुत रेयर होता है कि थोड़ा बहुत कभी एक दो चम्मच खाया बाहर का कुछ, अदरवाइज़ नहीं, तो घर पे ही बनाने की कोशिश करती हूँ मैं। तो यहाँ पर ये जो न्यूट्री मेरी उबल चुकी थी, और इसके बाद में मैंने एक शिमला मिर्ची काट ली थी, दो टमाटर लिए थे, तो टमाटर को भी बारीक बारीक काट लूँगी। अभी प्लेट में एक ही टमाटर दिख रहा है, दूसरा भी काटूँगी मैं, तो आपको इकट्ठे दिखेंगे वो। और इसके बाद में मैंने एक बड़ा प्याज लिया है, ये देखिए, इस प्याज को भी छोटे छोटे टुकड़े मैंने कर लिए हैं, मतलब और अगर आप दूसरे तरीके से प्याज काटना चाहते हैं तो वो भी काट सकते हैं। जो लहसुन को मैंने भूना था वो भी लहसुन मैंने ले लिया है। जब मैंने लहसुन को भूनने के बाद छीला था ना, तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, तो यहाँ पर ये देखिए, ये भी इसको छील लिया है। और साथ में मैं अदरक भी इसमें काट लूँगी, दो चार टुकड़े इसमें अदरक तो डाल लेंगे ज़्यादा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अदरक तो वैसे भी अच्छी ही होती है, और अदरक लहसुन मेरी हर सब्ज़ी में जाता ही जाता है, इसके बिना मैं खाना नहीं बनाती हूँ। तो जो न्यूट्री थी वो मैंने छान करके रख ली थी, पहले ही पानी निकाल लिया था, ये देखिए। और यहाँ पर मुझसे गलती हुई थी कि मैं आपको मसाले मिलाते हुए नहीं दिखा पाई, वीडियो नहीं बना पाई, गलती से रह गया, स्किप हो गया था, मतलब मेरे को लगा कि वीडियो बन रही है। तो मैं इसमें बता देती हूँ मैंने क्या क्या डाला है। इसमें मैदा हो तो आप मैदा डाल सकते हो दो चम्मच, मैंने मैदा की जगह बेसन डाला है। लाल मिर्ची डाली है, थोड़ा सा नमक डाला है, नमक कम डाला है मैंने इसमें, क्योंकि नमक मुझे बाद में भी डालना है। और मैंने इसमें डाला था एक चम्मच दही, और साथ में डाली थी थोड़ी सी कसूरी मेथी। और इस तरीके से सारे मसाले मिला लिए हैं। दोबारा बता देती हूँ, मैं नमक डाला है, लाल मिर्ची डाली है, दो चम्मच दही डाली है, दो चम्मच मैंने इसमें बेसन डाला है, और इसको अच्छे से मिला लिया है, और अदरक लहसुन का पेस्ट, हाँ जी अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाला था। और कढ़ाई में पहले भी मैंने पूड़ी बनाई थी, तो मैंने उसी में ही सब्जी बनाने की सोची। अब इसको एक एक करके मैंने छोड़ दिया है, और ये देखिए थोड़ी सी फ्राई हो चुकी है, ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करनी है, और ये हल्के हल्के मैंने इसको सुनहरा कर लिया है। तो इसको मैं निकाल लूँगी, और दोबारा मैं इसको जो बची हुई है वो भी फ्राई कर लूँगी मैं। तो ये और डाल दिए हैं मैंने इसके अंदर, हाँ जी। तो मैंने आपको बताया इसमें मसाले और क्या क्या डाला है, नमक, मिर्ची, धनिया, लहसुन, अदरक का पेस्ट, और बेसन या मैदा, आप जो भी डालना चाहें। और ये देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा घी और डाल लिया था। यहाँ पे दोबारा इसमें छोंक लगाने के लिए, तड़का लगाने के लिए, ग्रेवी के लिए मैंने इसमें डाला है लहसुन और अदरक, और मिर्ची काट ली थी जो कि मैं आपको दिखा नहीं पाई थी, तीन मिर्ची ली थी, एक बड़ा प्याज लिया है। इसको भी ज़्यादा ब्राउन करने तक नहीं भूनना है, साथ में मैं अब इसमें टमाटर भी ऐड कर दूँगी चलाने के बाद में। ये देखिए ज़्यादा ब्राउन प्याज नहीं करनी है आपको, टमाटर भी मैंने ऐड कर दिया है इसमें, और मैंने जो शिमला मिर्ची काटी थी वो भी मैंने ऐड कर दिया। तो एक्चुअली न्यूट्री मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, सोयाबीन की बड़ी जो होती है, तो वो मुझसे बोल भी रहे थे कि मुझे ऐसी ग्रेवी वाली चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है। अब इसमें मैंने सारी ये डालने के बाद में थोड़ा नमक डाला है, नमक कम, क्योंकि उसमें भी नमक ऐड किया था, लाल मिर्ची और धनिया, और हल्दी डाली है थोड़ी सी कलर के लिए। तो ये देखिए इस तरीके से इसको धीरे धीरे चलाते रहना है। चलाने के बाद में इसमें मैं ऐड करूँगी अभी कड़ी पत्ता, तीन से चार मैंने कड़ी पत्ते लिए थे वो, और ऊपर से कसूरी मेथी। तो इसको और चला दूँगी, और दो मिनट के लिए इसे मैं ढक कर के रख दूँगी ताकि और अच्छे से पक जाए। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, कच्ची कच्ची सी रखनी है ताकि खाने में वो अच्छी सी लगे। और ये देखिए अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी अपनी जो मैंने सोयाबीन की बड़ी को उबाल रखा था वो, और इसमें मैंने टेस्ट के लिए डाला है नींबू, आधा नींबू, और साथ में ये जो रेड सॉस आती है वो, आप चाहे तो ग्रीन चिली सॉस जो आती है वो भी डाल सकते हो, वो मेरे पास अवेलेबल नहीं थी तो मैंने ये ही ऐड की है। और इसमें डाल दिया न्यूट्री, ये देखिए मिक्स कर दूँगी धीरे धीरे, और इसमें कलर सारा आ जाएगा। काफ़ी मुझे अच्छा लगा ये, खाने में भी बहुत टेस्टी बना था। और इसमें ऐड कर दूंगी मैं धनिया पत्ता, और दो मिनट के लिए इसमें थोड़ा सा दो चार बूंद पानी डालूंगी ताकि मुझे रोटी के साथ भी खाए जाए, हम लोग रोटी के साथ भी खा सकें, और ढक के इसको बना दूंगी। मैंने ढक दिया है, तो आज की रेसिपी ये है, और दिखने में बहुत अच्छी है, आगे मैं प्लेट में निकाल के भी दिखाऊंगी। खाने में भी बहुत टेस्टी बनी थी, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अच्छी लगे तो शेयर भी कीजिएगा, नहीं अच्छी लगे तो मत कीजिएगा। और ये देखिए किस तरीके से बनी है ये, और प्लेट में निकाल के दिखा देती हूँ मैं आपको। सच में मुँह में पानी आ रहा था इसे देखते ही, फिर जल्दी से मैंने बना करके सिखाया भी, काफ़ी मुझे अच्छा लगा ये बनाने में भी और खाने में भी, और इनको भी बहुत पसंद आया।
तो आगे भी मैं कोशिश करूँगी आपको नई नई रेसिपी मैं भी ट्राई करूँ और आप लोगों के साथ शेयर भी करूँ। तो आप लोग बताइएगा दिखने में कैसी लग रही है ये। नॉर्मली जो घर में जिस तरीके से रहती हूँ मैं अच्छे से सर्व तो नहीं कर पाती हूँ, जैसी बनती है वैसी आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो चलिए टेक केयर, बाय बाय।